हाँ जी सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों बेटा, अज का जो अपना लैक्चर है सोशियोलॉजी का लैक्चर है ऑनलाइन क्लासेस दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत किया जाता है। हाँ जी अज आपां शुरू करन जा रहे हैं बेटा समाज शास्त्र अते अर्थ शास्त्र, भाव कि समाज शास्त्र अते अर्थ शास्त्र दे विच की रिश्ता है, की संबंध है, उस बारे अज आपां डिस्कस करांगे। पिछले लैक्चर दे विच आपां डिस्कस किया सी समाज विज्ञान दा इतिहास दे नाल संबंध, ठीक है जी। अज आप करन जा रहे हैं समाज शास्त्र अते अर्थ शास्त्र का संबंध, इन्हां दे आपस दे विच किहो जिहा रिश्ता है, की संबंध है, की बखरेम है, वह उस दे बारे अज आप गलबात करते हैं। हाँ जी समाज शास्त्र हुंदा बेटा जिहड़ा समाज का अध्ययन करता है विज्ञान, ठीक है ना, भाव कि समाजिक क्रियावां की हो रही ने, समाज दे विच की चल रहा है, किहड़ियां किहड़ियां घटनावां वापर रही ने, वह की हो गया समाज विज्ञान हो गया। अर्थ शास्त्र का संबंध के नाल हो गया बेटा आर्थिकता दे नाल, ठीक है जी। एक समाज चलाउण दे लई, एक समाज नूं वधिया तरीके दे नाल विकसित करन दे लई आर्थिकता दी आपां नूं जरूरत पैंदी है, पैसे दी आपां नूं जरूरत पैंदी है। इस करके आर्थिकता जिहड़ी उह मजबूत होनी चाहीदी है, भाव कि पैसे पक्खों जे अपनी कंट्री मजबूत होएगी, समाज मजबूत होएगा, तां ही उह विकसित हो के अपना जिहड़ा विकास है उह कर सकदा है। हाँ जी शुरू करदे हां बेटा, अर्थशास्त्र समाज शास्त्र दोवें एक दूजे नाल अंतर संबंधित भी हन अते वख भी हन, भाव कि अंदरूनी तौर पर बेटा ये एक दूसरे के नाल दोनों जुड़े हुए भी ने, एक दूसरे के नालों बखरेवा भी इन्हां दे विच पाया जाता है। इसलिए ही दोहां विज्ञानां दे संबंध ते भिन्नतावां नूं जानने तो पहला असीं यह जान लईए कि अर्थशास्त्र ते समाज शास्त्र के अर्थ की हन, ठीक है जी। सब तो पहला आपां नूं इन्हां दे अर्थ ने जिहड़े उह ग्रहण करने चाहिए ने, तां कि आपां उन्हां दे विच संबंध अते विखरेव है जिहड़ा उह चंगे तरीके दे नाल पता कर सकीए। आम शब्दां विच व्यक्ति जो आर्थिक क्रियावां करता है उन्हां दा अध्ययन अर्थ विज्ञान करता है, कौन करता है बेटा अर्थ विज्ञान, ठीक है ना। जिहड़ियां आपणियां सारियां आर्थिक क्रियावां हो रही ने, सारा लैण देण हो रहा, उन्हां दा अध्ययन कौन करता है अर्थ विज्ञान करता है। अर्थ विज्ञान यह दसदा है कि व्यक्ति अपनियां खत्म ना होण वालियां इच्छावां नूं अपने सीमित स्रोतों नाल किवें पूरा कर करदा है। व्यक्ति दियां आर्थिक इच्छावां की पूर्ति पैसे जां पूंजी द्वारा ही हुंदी है, इसे करके ही पूंजी दे उत्पादन वितरण अते उपभोग संबंधी व्यक्ति दे व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र ही करदा है, ठीक है जी। इस करके जिहड़ी पूंजी हुंदी है बेटा उहदा उत्पादन, उहदा वितरण, भाव कि उहदी वंड ते उहदा उपभोग, उहदी वरतों किवें करनी है, इस दे संबंधी व्यक्ति दा जिहड़ा व्यवहार है उहदा अध्ययन कौन करदा है बेटा अर्थशास्त्र करदा है। चाहे इस दी व्याख्या विच पूंजी नूं वध महत्व दिता गया है, पर आधुनिक अर्थशास्त्री पैसे दी थां व्यक्ति नूं महत्व दिंदे हन। पैसे दी थां बेटा उह किस चीज़ नूं ज़्यादा महत्व दिंदे ने, व्यक्ति नूं ज़्यादा महत्व दिंदे ने, क्योंकि व्यक्ति दे नाल ही सारा पैसे का संबंध है जिहड़ा उह बनिया होया, सारा सर्कल किहदे द्वारा चल रहा, व्यक्ति दे द्वारा चल रहा। हाँ जी सब तो पहला डॉक्टर मार्शल दे अनुसार अर्थ विज्ञान एक पासे तो संपत्ति का अध्ययन करता है अते दूजे पासे होर भी महत्वपूर्ण दिशा विच मनुख दे अध्ययन का अंश है। अध्ययन का की है, एक अंश है, एक भाग है बेटा। कहिंदे एक पासे तो यह संपत्ति का अपनी सारी संपत्ति का अध्ययन करता है, तो दूजे पासे की है महत्वपूर्ण दिशा विच मनुख दे अध्ययन का एक अंश भी है, एक भाग भी मनिया जाता है, ठीक है जी। ये सी डॉक्टर मार्शल के अनुसार। हाँ जी इस तरह असी कह सकते हाँ कि अर्थशास्त्र धन या पैसे का विज्ञान है जिस दे तीन वख हिस्से हैं। इस करके आप अर्थशास्त्र की कह सकते हैं बेटा पैसे का विज्ञान भी कह सकते, धन का विज्ञान भी कह सकते हैं, जिस दे अनुसार ये तीन हिस्से किए गए हैं। सब तो पहला तो उत्पादन है प्रोडक्शन, सैकेंड है गया वंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है गया अपना उपभोग कंजप्शन, ठीक है ना। ये तीनों भाग हो गए बेटा समाज शास्त्र व्यक्तियों के समूह संस्थावां रीति रिवाजा परंपरावां आपसी संबंधा कीमतां संबंधा की व्यवस्था विचारधारा अते उन्हां विच होण वाले परिवर्तनां दे नतीजिआं दा अध्ययन करदा है, भाव कि इह बेटा ज़्यादातर अपने समूहां दे विच जुड़िया हुंदा है, समूहां दा अध्ययन करन दे विच इहदी रुचि है,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕਸ, ਪੈਰੋਟੋ, ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ? ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ? ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ
अर्थशास्त्र लोगों की भलाई तो ही कर सकता है जो उन्होंने समाज के हालातों का पता होगा। समाज के हालात उन्होंने कौन दसूगा? समाज शास्त्र, समाज विज्ञान। समाजिक हालातों का पता करने लिए उसनों समाज शास्त्र की मदद लेनी पैंदी है। उदाहरण के तौर पर गरीबी की समस्या, चाहे गरीबी एक आर्थिक समस्या है पर इसकी आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के कारण समाजिक हैं। कहिंदे गरीबी की जिहड़ी समस्या की उत्पत्ति के कारण बेटा जिहड़े कि ने समाजिक मन्ने गए हैं। जदों तक कोई अर्थशास्त्री व्यक्ति के समाजिक हालातों का पता नहीं कर लैंदा उदों उस समय तक वह उस समस्या का हल नहीं लभ सकता, भाव कि उसकी गरीबी का हल उदों तक वह नहीं लभ सकता जदों तक वह समाज के विचर के उस व्यक्ति के गरीबी के जिहड़े कारण ने वह नहीं लभ सकता उदों तक वह समस्या जिहड़ी वह सुलझ नहीं सकती, वह सोल्व नहीं हो सकती। साडे समाज विच अजिहे आदर्श प्रचलित हैं जिहड़े लोगों नूं एक विशेष प्रकार का काम करन लई मजबूर करते हैं। साडे समाज दे विच कहिंदे इहो जिहे बहुत सारे आदर्श ने जिहड़े लोगों नूं एक विशेष प्रकार का काम करन दे लई मजबूर करते हैं। जिवें एक जात प्रथा, जात प्रथा दे विच लोग की है बेटा जाति बंधन दे विच फसे हुए ने, भाव कि वह उच्चिया नीवियां जातों का जिहड़ा भेदभाव है वह करते हैं। इस विच व्यक्ति नूं अपनी जात नाल संबंधित काम करना ही पैंदा है, भाव कि वह अपनी जाति तो बाहर जिहड़ा काम कर रहा वह नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों के विच जिहड़ी भावना वह बनी हुई है, पर अजकल दे समय दे विच आधुनिक समय दे विच यह परिवर्तन चेंज हो रहा है, भाव कि चेंज आ रहा है। अजकल यह परिवर्तन आपां नूं देखण नूं मिल रहा है। जेकर व्यक्ति जात नाल संबंधित नहीं काम नहीं सी करता सी तां उसनूं जात विचों कढ दित्ता जांदा सी, भाव कि जाति संबंधी जिहड़े रूल से पुराने समयां दे विच ज़्यादा कठोर सीगे। चाहे हुण जात प्रथा काफ़ी कमज़ोर हो गई है पर फिर भी लोग अपनी जात नाल संबंधित काम करना पसंद करते हैं। इस नाल ही औरतों की नियमित स्थिति दे घर की चार दीवारी तो बाहर ना निकल उत्ते पाबंदी भी चल रही है। इस करके लोग ने जिहड़े कहिंदे वो औरतों के घरों बाहर निकलने उत्ते भी पाबंदी जिहड़ी वह लगा रहे ने। यह समस्यावां आर्थिक भी हैं, यह समस्यावां दा संबंध बेटा की है आर्थिकता दे नाल भी है ते समाजिकता दे नाल भी है, भाव कि यह दोवें प्रकार दीयां समस्यावां ने। एक तो समाज दे विच उहनां नूं बाहर नहीं निकल दिता जांदा ते दूसरी गल उह भी अपनी वह रोजी रोटी है जिहड़ी वह नहीं कमा सकदे आ। अर्थशास्त्री नूं इहनां समस्यावां नूं हल करन लई समाज दी समाज शास्त्र की मदद लैनी ही पैंदी है। गरीबी नूं दूर करन लई सानूं पुराने समाजिक हालात बदलने पैणगे। पुराने समाजिक आदर्शां दी थां उत्ते नवें समाजिक आदर्श बनाउणे पैणगे, भाव कि बेटा इन्हां हालातां नूं चेंज करन दे लई सानूं की अपने समाज दे जिहड़े आदर्श ने उहनां नूं बदलना पएगा, असूल ने जिहड़े अपने उह चेंज करने पैणगे। इस तरह यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्री नूं हरेक थां उत्ते समाज शास्त्र की लोड़ पैंदी है। इस तरह बेटा इस गल तो यह चीज़ स्पष्ट हो गई है कि एक अर्थशास्त्री नूं की है समाज शास्त्र की जिहड़ी लोड़ है वह पैंदी है, भाव कि समाज दीयां समस्यावां नूं हल करन दे लई एक अर्थशास्त्री कि दा सहारा लैंदा है, समाज शास्त्र दा लैंदा है, समाज शास्त्री दा लैंदा है। इस दी मदद तों बिना अर्थशास्त्री ना तां समाज नूं उन्नत कर सकदा है अते ना ही अपनियां समस्यावां दा हल लभ सकदा है। इस लई अपने अध्ययन लई अर्थ विज्ञानी समाज विज्ञानी उत्ते निर्भर करता है। मनुख दी हरेक आर्थिक क्रिया समाजिक अंतर क्रिया करदे ही हुंदी है ते व्यक्ति दी हरेक आर्थिक क्रिया नूं समाजिक संदर्भ विच रख के ही समझिया जा सकदा है। समाज दे आर्थिक विकास लई योजना बनाउण दी लोड़ पैंदी है। समाज दे जिहड़ा आर्थिक विकास करना है बेटा उहदे लई कदी जरूरत पैंदी है, योजनावां दी जरूरत पैंदी है। इस लई अर्थशास्त्री नूं समाजिक पक्ष दा पता होना जरूरी है। इस लई जे उह बेटा योजनावां तैयार कर रहा है तां उहनूं अपने समाज दे हालात ने जिहड़े उहनां तों जाणू होना जरूरी है। जाणू किस तों होएगा? उह एक समाज शास्त्री तों, भाव कि एक समाज विज्ञानी तों उहनूं पता लगेगा समाज दे विच किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां चल रहियां ने। उहनां नूं ही मुख रख के की है उह समाज दे विच जिहड़ियां प्लैनिंग्स ने उह तैयार कर सकदा, योजनावां ने उह तैयार कर सकदा। इस तरीके नाल अर्थशास्त्र समाज शास्त्र उत्ते निर्भर करता है। इस प्रकार आपां की कह सकते हैं भी समाज शास्त्र है जिहड़ा उह अर्थशास्त्र उत्ते निर्भर करता है। अर्थ विज्ञान की समाज विज्ञान नूं देण, अर्थ विज्ञान की समाज विज्ञान नूं की देण है? पहला आपां पढ़ी सी भी समाज विज्ञान नूं, ठीक है ना, अर्थशास्त्र नूं की देण है। हुण आपां पढ़ांगे बेटा
अर्थ विज्ञान की समाज विज्ञान ठीक है ना, समाज विज्ञान अर्थ विज्ञान की लोड़ क्यों पैंदी है। पहला समाज विज्ञान की लोड़ पैंदी सी ते हुण अर्थ विज्ञान की लोड़ पवेगी। उल्ट हो गया बेटा, ये समाज शास्त्र भी अर्थशास्त्र की बहुत जरूरत पैंदी है। भाव कि बेटा जे समाज दे विच कोई आपां उन्नति करनी है, समाज दे विच कोई किरिया करनी है, तो उहदे लई आपां पैसे की जरूरत नूं मुख रखते हैं। पैसे की जरूरत नूं मुख रख के आपां देखांगे भी अपना अमाउंट किन्ना है, ठीक है ना। वो सारियां समस्यावां दा आपां कित्थों पता लगेगा, आपां प्लैनिंग तैयार करांगे, प्लैनिंग तैयार तां ही करांगे जे आपां नूं पता होएगा भी अपने कोल किन्नी कु पूंजी है जिहड़ी, वो हैगी है। वो सारी आपां नूं जानकारी कौन दे सकदा, एक अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री दे मुताबिक ही आपां वो ठीक है ना जी योजना वो तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, अगे है अजकल दे समाजां विच आर्थिक क्रियावां ने समाज के हरेक पक्ष नूं प्रभावित किया है। वेबर, मार्क्स, डूरकिन, सोरोकिन आदि बहुत प्रसिद्ध समाज शास्त्री होए हैं जिन्हां ने समाजिक खेत्र दे अध्ययन तो पहला आर्थिक खेत्र का अध्ययन किया है। समाजिक खेत्र तो पहला उन्होंने बेटा किहदा अध्ययन किया है, आर्थिक खेत्र का। जदों भी समाज विच आर्थिक कारणों विच बदलाव आया है, जदों भी समाजिक समाज विच आर्थिक कारणों विच बदलाव आया है तो उन्होंने समाज नूं भी प्रभावित किया, भाव कि उहदा प्रभाव बेटा आपां नूं समाज दे उत्ते भी देखण नूं मिलिया। अगे हैगा जी, जदों भी समाज शास्त्री ने यह अध्ययन करना हुंदा है कि साडे समाज विच समाजिक संबंध क्यों टुट रहे हन अते व्यक्तियों विच व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्यों बढ़ रहा है, भाव कि बेटे जी छोटे परिवार होंदे जा रहे हैं उन्होंने रिश्ते क्यों टुट रहे हैं, उन्होंने विच दराड़ा क्यों पै रही ने। जदों भी यह अध्ययन करना होंदा तो समाज शास्त्री नूं व्यक्ति दीआं आर्थिक समस्यावां वल देखना पैंदा है, भाव कि वह एक अर्थशास्त्री की सहायता लेगा कि छोटे परिवार होण दे विच क्यों आ रहे ने, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्यों बढ़ रहा है, भाव कि व्यक्ति इकला क्यों रहना चाहता है, अपने परिवार के विच सीमित मैंबरां दे नाल ही क्यों रहना चाहता है। सब तो पहला वो उसकी आर्थिक दृष्टि बारे नज़र पाएगा, आर्थिक दृष्टि तो पता चलेगा कि किस कारण करके वो अलग अलग हो रहे हैं, क्यों रिश्ते उन्होंने टुट रहे हैं। इस तो पता चलता है कि पैसे की जरूरत के बढ़ने नाल नाल व्यक्ति ज़्यादा सहूलतों वाली चीज़ां प्राप्त करने लिए भी भज रहे हैं, भाव कि उन्होंने बेटा सुख सहूलत ने जिड़िया घट प्राप्त हो रही ने, इस करके उन्होंने की है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है जोड़ा वो बढ़ रहा है, भाव कि वह अपन जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित परिवारों के वंडे जा रहे हैं। समाज की पूंजीपति समाज विच बदल रहे हैं, समाज की पूंजीपति समाज विच बदल रहे हैं, इस करके व्यक्ति विच व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है, इस करके समाज के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है, तो संयुक्त परिवार टुट रहे हैं, भाव कि छोटे परिवार होने के ज़्यादा आ रहे हैं। इस दे नाल ही समाज शास्त्र नूं कई प्रकार दीआं समस्यावां दा अध्ययन करन लई अर्थशास्त्र की मदद लैनी पैंदी है, जिमें नशा करन लई समाजिक समस्या। इस समस्या ने जवान पीढ़ी ते जवान पीढ़ी नूं खोखला कर दिता है, भाव कि बेटा ज़्यादातर नशियां दे वल प्रेरित किया। इसका मुख्य कारण ही आर्थिक है, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी के कारण लोगों के विच नशियां की जिहड़ी भरमार है वह भी बहुत ज़्यादा आपां नूं देखण नूं मिलती है। घरों कुछ मतलब मिलता नहीं उन्हां नूं, ठीक है ना, एक बेरोज़गारी ते दूसरा वेहले समय के विच उह तरह तरह के माड़े कम ने जिहड़े गलत कम ने उह सोच रहे हैं, लोग गलत तरीके नाल पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा पैसे का इस तरह उपयोग कर रहे हैं। इस तरह नशियां वर्गी समाजिक समस्या तो बचने लई सरकार नूं गलत तरीकों तो पैसा कमाउण वालियां उत्ते नज़र रखनी चाहीदी है। इसे तरह दहेज वर्गी समाजिक समस्या दे कारण आर्थिक हन। इस प्रकार दीआं समस्यावां नूं खत्म करन लई समाज शास्त्र अते अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र जिहड़ा अर्थशास्त्र उत्ते निर्भर करदा है। अजकल बहुत सारे नीवे मध्य ते उच्च वर्ग दे साडे सामने आ रहे हैं, तो इन्हां दे संबंधां नूं समझण लई समाज विज्ञान उन्हां वर्गां दे आर्थिक संबंधां नूं समझना चाहिए है, जो कि आर्थिक अर्थशास्त्र की मदद नाल हो सकता है। ये सारिया समस्यावां बेटा ये सारे संबंध आपां नूं किवें पता चल सकते हैं अर्थशास्त्र की मदद दे नाल। इस तरह असीं कह सकते हैं कि साडे समाजिक जीवन उत्ते आर्थिक क्रियावां दा बहुत प्रभाव हुंदा है, इसलिए समाज विज्ञानी नूं अर्थ विज्ञान की जरूरत पैंदी है, भाव कि समाज दे विच केड़ियां केड़ियां समस्यावां चल रही ने, उन्हां समस्यावां दा कारण की है, इस दे लई जानना
एक अर्थशास्त्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे अर्थशास्त्री ये सारिया समस्यावान पता चल गई तो वह जी आर्थिक समस्या का हल लभ सकता है। समाज विज्ञान के अर्थ विज्ञान अंतर, हाँ जी हूँ आप डिफरेंस है जोड़ा वो पता करा, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, भाव कि दोहां दे विच अंतर की है। चाहे अर्थशास्त्र अते समाज शास्त्र एक दूजे नाल गूढ़े रूप नाल संबंधित हैं, पर ते एह एक दूजे ते सिद्धांतां दा बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, फिर भी दोहां विच काफ़ी अंतर पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। साधारण अते विशेष, पहला पॉइंट की है बेटा, इन्हां दे विच जिहड़ा अंतर है वह की है, साधारण अते विशेष दा है, भाव कि एक जरनल एक ते एक स्पैशल है। समाज विज्ञान नूं एक साधारण विज्ञान मन्या जांदा है क्योंकि वह हरेक प्रकार के समाजिक प्रकटना का अध्ययन करता है, भाव कि हर प्रकार दी समाजिक घटनावां का अध्ययन करता है जिहड़े समाज के किसी विशेष हिस्से नाल नहीं बल्कि पूर्ण समाज नाल संबंधित होंदे हन। कहिंदे उह हर प्रकार दी घटनावां का अध्ययन करते जिहड़ियां कि समाज के किसी विशेष हिस्से नाल नहीं सगों सारे समाज के नाल संबंधित होंदियां ने, परंतु अर्थ विज्ञान एक विशेष विज्ञान है क्योंकि यह सिर्फ मनुख दीआं आर्थिक समस्यावां नाल संबंधित हुंदा है। अर्थशास्त्र का संबंध बेटा सिर्फ मनुख दीआं आर्थिक समस्यावां दे नाल हुंदा है, ये स्पैशल हो गया, इत्थे विशेष हो गया। हाँ जी, विषय के खेत्र का अंतर अगे की है बेटा, इन्हां दे विच विषय के खेत्र का अंतर है जिहड़ा आपां नूं देखण नूं मिल रहा है। समाज शास्त्र ते अर्थशास्त्र दे विषय खेत्र विच अंतर है। विषय खेत्र विच की अंतर है बेटा? समाज शास्त्र समाज दे वख-वख हिस्सियां दा अध्ययन करके समाज दी एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। समाज शास्त्र है बेटा समाज दीआं सारीआं समस्यावां नूं पेश करके, ठीक है ना, एक समाज दी जिहड़ी तस्वीर है, एक जिहड़ी पिक्चर है वह अपने सामने तैयार करता है। इस वजह करके समाज शास्त्र दा घेरा काफ़ी ज़्यादा विशाल है, भाव कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर अर्थशास्त्र समाज के सिर्फ आर्थिक हिस्से नाल संबंध होंदा है, इहदियां समस्यावां सिर्फ आर्थिकता दे नाल संबंध हुंदियां ने, जिस करके इसका विशा खेत्र काफ़ी सीमित है, भाव कि यह बहुत छोटा है समाज शास्त्र के मुकाबले। इकाई विच अंतर, तीसरा पॉइंट है गया बेटा इकाई विच अंतर, डिफरेंस इन यूनिट्स। हाँ जी, अगे है गया समाज विज्ञान के अध्ययन की इकाई समूह है। समाज विज्ञान जिहड़ा बेटा वो किवें काम करता है, एक समूह के रूप के काम करता है, वह समूह विच रहिंदे व्यक्तियों का अध्ययन करता है, पर अर्थ विज्ञानी एक व्यक्ति के सिर्फ आर्थिक पक्ष नाल ही संबंधित होंदा है। अर्थशास्त्र का संबंध किहदे नाल होंदा बेटा? व्यक्ति के सिर्फ आर्थिकता दे नाल, एक व्यक्ति नाल ही, जिस करके इसकी इकाई व्यक्ति हुंदा है, भाव कि समाज विज्ञान की इकाई बेटा समूह हुंदा है, तो अर्थशास्त्र की इकाई की हो गया एक व्यक्ति हो गया, इस करके इकाई दे विच भी इन्हां दे अंतर है। फोर्थ पॉइंट अपना दृष्टिकोण विच अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण दे विच अंतर। समाज शास्त्र समाज विच मिलण वालियां समाजिक क्रियावां नाल संबंधित है अते इह समाजिक समस्यावां दा अध्ययन करता है, जिस करके इसका दृष्टिकोण समाज विज्ञान है। जिस करके इहदा मतलब दृष्टिकोण की है बेटा? समाज विज्ञान है। अर्थ विज्ञान व्यक्ति दीआं आर्थिक समस्यावां नाल संबंधित है, जिवें पैसा कमाउणा, किवें वंड करनी, किवें प्रयोग करना, ठीक है ना, इहदा दृष्टिकोण बेटा आर्थिकता दे नाल संबंधित है, इस करके इहदा दृष्टिकोण की हो गया आर्थिकता होगी। विधियां दा अंतर, विधियां विच अंतर, डिफरेंस इन मैथड्स, इहनां दे मैथड ने जिहड़े अलग अलग ने। अपने अपने अध्ययन लई दोवें विज्ञानी वख वख विधियां दा प्रयोग करते हैं। समाज विज्ञान इतिहासिक विधि है, तुलनात्मक विधि है, सोमोमीट्री विधि आदि का प्रयोग करता है, जबकि अर्थ विज्ञान आगमन विधि ते निगमन विधि का प्रयोग करता है। अर्थ विज्ञान है जिहड़ा हमेशा आगमन ते निगमन विधि का जिहड़ा प्रयोग है वह करता है। इस तरह इस चर्चा तो स्पष्ट है कि समाज विज्ञान ते अर्थ विज्ञान विच चाहे काफ़ी अंतर हन। इस तरह इस तो स्पष्ट की है बेटा कि समाज विज्ञान ते अर्थ विज्ञान दे विच चाहे काफ़ी अंतर हन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन्हां विच कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यह नहीं बेटा भी आप इन्हों अलग अलग समझांगे भी इन्हां दे विच कोई संबंध ही नहीं।
ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੂੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।